इंदौर में 109 रन पर ही टीम इंडिया साफ। ऑस्ट्रेलियाई फिरकी के आगे सारे दिग्गज फेल हो गए। भारतीय टीम की पहली पारी 109 रनों पर सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया की कमाल की बॉलिंग के आगे टीम इंडिया कुछ नहीं कर पाई और किसी तरह ये स्कोर बना। भारत के लिए इस पारी में सर्वाधिक स्कोर विराट कोहली ने बनाया, जो 22 के निजी स्कोर पर आउट हुए। अंत में उमेश यादव ने 17 रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 पार पहुंचाने में मदद की। बता दें कि अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है और ऑस्ट्रेलिया को अब भारत से ज़्यादा अच्छे स्कोर करने होंगे। स्कोर कार्ड की बात करें तो रोहित शर्मा की पहली विकेट गिरी थी, जिन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए। शुभमन गिल जो कि 21 रन बनाकर आउट हुए, पुजारा 1 रन पर ही आउट हो गए और विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा 22 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा ने 4 रन जबकि श्रेयस अय्यर 0 पर ही आउट हो गए। श्रीकर भारत ने 17 रन बनाए, वहीं अक्षर पटेल ने 12 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन 3 रन पर और उमेश यादव 17 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो मतलब इस पूरी पारी में विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा यानी कि 22 रन बनाए हैं। 33 ओवरों पर पूरी भारतीय टीम सिमट गई और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन बना पाई ये पूरी टीम।